अयोध्या जनपद के कोतवाली नगर क्षेत्र में जान से मारने की नियत से एक पुलिस कांस्टेबल पर फायर करने वाले तीन अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोतवाली नगर के रहने वाले सुनील कुमार कांस्टेबल के ऊपर फायरिंग की घटना तिरुपति हॉस्पिटल के पास नियावा रोड नहरबाग के पास घटी थी, जिसमें तीन अभियुक्त जनपद गोंडा के रहने वाले हैं। इन तीनों अभियुक्तों के ऊपर फायर करने का आरोप था। फिलहाल पुलिस ने मुकदमे में शामिल तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में सीओ सिटी पलाश बंसल ने बताया, कोतवाली नगर के तिरुपति हॉस्पिटल के पास में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी तो थाना कोतवाली नगर के कांस्टेबल सुनील कुमार पर जानलेवा फायरिंग की थी। इस दौरान तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, चार पहिया वाहन बरामद किया गया है। वहीं मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। 20 दिसंबर 2020 को थाना कोतवाली नगर के तिरुपति हॉस्पिटल के पास मुखबिर की सूचना पर पुलिस जब दबिश दी, तब तीन अभियुक्तों ने सुनील कुमार जो कि थाना कोतवाली नगर के कांस्टेबल हैं, उन पर जानलेवा फायरिंग की। इस दौरान तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों का नाम है दुर्गेश सिंह, देवेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह। इनके हाथ से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस 315 बोल के, एक खोखा कारतूस और एक चार पहिया लाल रंग की गाड़ी बरामद हुई है। अभियोग पंजीकृत कर आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है।